गुजरात के सूरत शहर में साल 2023 में एक नए एसपी साहब अपनी कुर्सी संभालते हैं और 3 महीने के अंदर ही वो एक 20 साल पुराने केस को सॉल्व कर देते हैं। एक इंसान जो अपने दोस्त का मर्डर कर देता है और उसके बाद बाबा बनकर मथुरा में मजे काट रहा था, कैसे उस नए एसपी साहब ने उस अपराधी को धर दबोचा, चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग किस्से के बारे में इस वीडियो में। जून 2023 में सूरत शहर में एक यंग टैलेंटेड और होनहार एसपी सूरत शहर की कमान संभालते हैं। अपनी कुर्सी पर बैठते ही वो सबसे पहले सूरत के सारे पुराने केसेस की फाइल मंगवा लेते हैं जो केस अभी तक अनसोल्ड थे, क्योंकि उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो गई है और हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पुराने अनसोल्ड केस को सुलझा सकते हैं। सूरत के आसपास के सभी इंस्पेक्टर एसपी साहब के ऑर्डर के अनुसार पुराने केसेस की फाइल लेकर एसपी साहब के पास आ जाते हैं। टोटल 218 अनसोल्ड केस थे, जिनमें से एसपी साहब पहले 20 केसेस की फाइल को सिलेक्ट करते हैं और वहां मौजूद सभी इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि इन सभी फाइलों में मौजूद केसेस की एक बार दोबारा फिर से तफ्तीश करो। इन 20 केसेस में से एक केस विजय नाम के एक शख्स का था, जिसका मर्डर 3 सितंबर 2001 को सूरत शहर में हुआ था और आज तक उसका मेन गुनहगार नहीं पकड़ा गया था। एसपी साहब का फोकस भी इस केस पर टिक गया और उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि आप लोग शुरुआत में इस केस से ही अपनी शुरुआत करें, हो ना हो 22 साल पुराने इस केस में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि अब कातिल भी लापरवाह हो गया होगा या जिस मोहल्ले में ये मर्डर हुआ था वहाँ के लोगों को अब कातिल के बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिल गया होगा। ये केस था विजय नाम के एक शख्स का। विजय नाम का वो शख्स सूरत के अंबाबाड़ी इलाके में रहता था। वहीं अंबाबाड़ी इलाके में विनोद नाम का भी एक शख्स रहा करता था। विजय और विनोद की आपस में दोस्ती हो गई थी। शाम को इकट्ठा बैठकर खाना पीना और मौज मस्ती हुआ करती थी। विनोद को एक बार 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई थी, इसके लिए उसने विजय से 1 लाख रुपया उधार ले लिया था और कुछ समय बाद विजय ने अपने पैसों को विनोद से मांगना शुरू कर दिया। मगर विनोद की माली हालत उस समय ठीक नहीं थी, क्योंकि जुए की वजह से उस पर बहुत ज्यादा कर्ज जड़ा हुआ था। एक रात विनोद ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर विजय को खूब शराब पिलाई और शराब के नशे में ही उसका मर्डर कर दिया, और ऐसा करने के बाद विनोद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने विनोद के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, मगर विनोद का अभी तक कहीं कोई भी अता पता नहीं था। विनोद मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला था। साल 2001 में ही पुलिस की एक टीम गठित की जाती है। वह टीम उड़ीसा में मौजूद विनोद के गांव में तफ्तीश के लिए जा पहुंचती है, मगर आसपास पूछताछ करने के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और इस दौरान पुलिस कई चक्कर विनोद के गांव के लगाती है, मगर हर बार पुलिस के हाथ नाकामयाबी ही लगती है। विनोद उस मर्डर के बाद ना जाने कहां पर गायब हो गया था। विनोद के बारे में ना तो उसके घर वाले कुछ बता पा रहे थे और ना ही उसके गाँव के लोग कुछ जानते थे। अब नए एसपी साहब एक टीम को विनोद के गाँव का दौरा करने के लिए भेज देते हैं। टीम में मौजूद पुलिस वाले विनोद के गांव में जाकर विनोद के एक पड़ोसी को पैसे का लालच देते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या इन 20 सालों के दौरान विनोद कभी अपने घर पर आया है, या कभी ऐसा हुआ हो कि विनोद के घर वाले परिवार समेत कहीं 10 दिन के लिए कहीं पर गए हों। पैसे का लालच देखकर वह पड़ोसी बताता है कि साल में एक बार विनोद के परिवार वाले सब लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा में जाते हैं और यह सिलसिला लगभग पिछले 15 सालों से चल रहा है, और जब हम इनसे मथुरा के बारे में पूछते हैं तो ये हमें कुछ भी नहीं बताते हैं, बस यही कह देते हैं कि हम वहां कृष्ण जी के दर्शन करके आए हैं और हर साल ये मथुरा जरूर जाते हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर उड़ीसा से सीधा मथुरा का रुख कर लेते हैं और मथुरा पहुँचने के बाद मथुरा में मौजूद संत महात्माओं से किसी उड़ीसा वाले बाबा के बारे में पूछताछ करते हैं। पुलिस के पास विनोद की एक फोटो भी थी, मगर उस फोटो से विनोद को पहचान पाना मुश्किल था, क्योंकि एक तो यह फोटो 20 साल पुरानी थी, दूसरा यदि विनोद मथुरा में बाबा बन गया है तो उसके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल उसने रख लिए होंगे। इस सूरत में विनोद को पहचानना एक बहुत ही नामुमकिन सा मुश्किल काम दिखाई दे रहा था।
मगर पुलिस वालों को एक बात पता थी कि इंसान का चेहरा तो बदल सकता है मगर इंसान का बोलचाल और बातचीत का लहजा कभी नहीं बदलता। और अगर कोई इंसान उड़ीसा का रहने वाला है तो उसके लहजे में उड़िया भाषा का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। सूरत की पुलिस को मथुरा के अलग अलग आश्रमों की खाक चाहते हुए लगभग एक हफ्ता गुजर जाता है। अब पुलिस दिमाग लगाती है कि अगर ये महात्मा लोग किसी उड़िया बाबा के बारे में जानते भी हैं तो ये महात्मा लोग हमारी पुलिस की वर्दी को देखकर हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए अब सूरत पुलिस अपनी वर्दी की जगह सिविल ड्रेस पहनकर फिर से पूछताछ शुरू कर देती है। इस बार वह महात्माओं से पूछते हैं कि हमने मथुरा में एक उड़िया बाबा के बारे में सुना है जो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। हम उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। यदि आप लोगों को कुछ पता है तो हमें उन उड़िया बाबा से मिलवाने में हमारी मदद करो। तब एक महात्मा बताता है कि मथुरा में तो ऐसा कोई बाबा नहीं है, मगर हाँ, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जमुना जी के किनारे पर एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में एक उड़िया बाबा पिछले 15-20 साल से रह रहा है, मगर वह इतना प्रसिद्ध नहीं है। आप जाकर एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद वह आपको कुछ बता पाएंगे। पुलिस वालों को पहला सुराग मिल जाता है, मगर अब मसला यह था कि पुलिस डायरेक्ट जाकर उस बाबा से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आश्रम में उसके भक्त भी मौजूद होंगे और दूसरा, यह धर्म से जुड़ा हुआ मामला भी बन सकता था। इसलिए पुलिस वाले बहुत सावधानी बरतते हुए सिविल ड्रेस में ही उस आश्रम में जा पहुंचते हैं और वहां मौजूद आश्रम के लोगों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम दिल्ली से आए हुए बहुत बड़े व्यापारी हैं और हमें उड़िया बाबा से मिलना है। हमें किसी आदमी ने यहाँ पर भेजा है और उस आदमी ने ये बताया है कि ये उड़िया बाबा एक पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। हमारे पास कुछ पैसा है जो हम उड़िया बाबा को आश्रम के लिए दान देना चाहते हैं। उस आश्रम में मौजूद उड़िया बाबा डायरेक्ट कभी किसी से नहीं मिलते थे। अगर उड़िया बाबा से किसी को मिलना होता था तो वह पहले आश्रम में 3-4 दिन सेवा करने के लिए बुलावा देते थे। उसके बाद जब यकीन हो जाता था कि यह कोई सरकार या पुलिस से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, तब जाकर ही उड़िया बाबा से मिलने की इजाज़त दी जाती थी। सूरत पुलिस के जवानों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन जवानों ने पहले 3 दिन तक वहां आश्रम में खूब सेवा करी और चौथे दिन उड़िया बाबा ने उन सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वालों को मिलने का समय दे दिया। और जब पुलिस वाले उड़िया बाबा से मिले तब उन्होंने पहले तो 10,000 रुपये उड़िया बाबा को दे दिए। उसके बाद वह काफ़ी देर तक उड़िया बाबा से बात करने के बहाने मन ही मन बाबा के चेहरे का मिलान अपनी फ़ोटो वाले इंसान से करने की कोशिश कर रहे थे। और 1 घंटे की मुलाकात के बाद उड़िया बाबा फिर से अपनी कुटिया के अंदर चले गए। अब वह पुलिस वाले भी अपने कमरे में आ गए और आपस में बात करने लगे कि हाँ, ये वही उड़ीसा वाला विनोद है, क्योंकि अगर दाढ़ी मूछ हटा दी जाए तो 70% यह विनोद की तरह ही दिखेगा और 20 साल में इतना बदलाव तो स्वाभाविक है। बस फिर क्या था, सूरत पुलिस के जवानों ने मथुरा की लोकल पुलिस को अपने इस केस के बारे में और फोटो वगैरह दिखाकर अपने साथ चलने को कहा। मथुरा पुलिस ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। मथुरा पुलिस के जवान भी सूरत पुलिस के जवानों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टीम बनाकर उस आश्रम पर जा पहुंचे और वहां जाने के बाद विनोद को धर दबोचा, जो मथुरा में जमुना जी के किनारे पिछले 20 सालों से उड़िया बाबा बनकर एक आश्रम चला रहा था। कागजी कार्रवाई करने के बाद सूरत पुलिस के जवान उड़िया बाबा उर्फ विनोद को अपने साथ सूरत ले आए और उस पर फिर अदालती मुकदमा चला। सूरत के इस नए एसपी साहब ने उन चुने हुए पुराने 20 केसेस में से 8 केसेस को अभी तक सुलझा लिया है। यही असर होता है एक समझदार और ईमानदार अफसर का। दोस्तों, अगर पुलिस वाले किसी केस को सॉल्व करने की ठान लें तो दुनिया का कोई मुजरिम उनसे नहीं बच सकता। हर अधिकारी को सूरत के एसपी की तरह ही चौकन्ना और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये इंटरेस्टेड केस आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।